Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस वामन द्वादशी के शुभ अवसर पर। आज के दिन भगवान श्री वामन देव, तो भगवान अपने प्रमुख 10 अवतारों में वामन अवतार के रूप में आज के दिन प्रकट हुए थे, तो इसीलिए आज के दिन को वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस वामन द्वादशी के दिवस का माहात्म्य और आज की विशेष कथा को श्रीमद् भागवतम से सुनेंगे। आइए सबसे पहले भगवान के विषय में सुनने से पहले अपनी इस चेतना को आह्वान करके आचार्यों का, भगवान का, उनके आशीर्वाद का को स्वीकार करके इसे सुनने के लिए योग्य बनाएं। तो मेरे पीछे दोहराइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्या देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा निवितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा,
तो वामन द्वादशी के इस शुभ अवसर पर श्री वामन कथा। तो अदिति जो कि देवताओं की मां है और अदिति चिंतित थी कि देवता अपना साम्राज्य और अपना ऐश्वर्य खो चुके थे, बृहस्पति के प्रति अपराध करने के कारण उनकी शक्ति और क्षमता असुरों के सामने क्षीण पड़ गई। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान जो कि भक्त वत्सल हैं अपने स्वभाव से, अपने भक्तों की सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए परित्राणाय साधु नाम, वो भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं युगे युगे, हर युग में, हर मनवंतर में, कई लीला अवतारों में, कई पुरुषा अवतारों में, कई गुना अवतारों में और साक्तावेश अवतारों में वो अवतरित होते हैं। तम भवामी युगे युगे। तो भगवान एक ऐसे एक्टर की तरह हैं जो अनेक रोल प्लेस करता है, उसी प्रकार से भगवान हम सबको हमारे जीवन का लक्ष्य समझाने, हमें हमारे जीवन का उद्देश्य प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार से आयोजन करते हैं, वो अनेक रूप धारण करते हैं। तो भगवान कितने चिंतित हैं हम सबके लिए कि वो हमें इस भौतिक जगत में रहने नहीं देना चाहते हैं, वो हमारे दुखों को देखते हैं। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं, क्या भगवान निर्दयी हैं, क्या भगवान क्रूर हैं, क्योंकि संसार में सभी लोग किसी भी विश्व के कोने में जाएं तो दुखी दिखाई देते हैं, चिंतित दिखाई देते हैं। तो क्या भगवान को इनकी कोई नहीं पड़ी, वो उनको चिंताओं में दुखों में रहने देते हैं? तो भगवान नहीं चाहते हम दुख में रहें, लेकिन अगर हम दुख से आसक्ति रखें तो भगवान हमारा क्या करें? तो भगवान अदिति की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप उपेंद्र बनकर आए। उपेंद्र यानी कि इंद्र के उप, इंद्र के से छोटे बनकर आए भगवान। इसीलिए इस बार भगवान का जो रूप था वो एक ब्रह्मचारी का था, एक विद्यार्थी का था, एक भिक्षुक का था, एक छोटे बालक के रूप में भगवान अवतरित हुए। और इस प्रकार से भगवान का अवतरण हमें भगवान की सेवा का अवसर देता है। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो बहुत से जीवों को भगवान अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से वामन देव जी जब आए तो बृहस्पति देवताओं के गुरु ने उन्हें जनेऊ प्रदान किया, सूर्यदेव ने उन्हें गायत्री प्रदान की, कश्यप ऋषि ने उन्हें कमर में पहनने वाला एक बेल्ट दिया, भूमि देवी ने मृगछाल दी, चंद्र ने उन्हें ब्रह्म दंड दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। तो देवी देवता भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, देव लोकों में, स्वर्ग लोकों में भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिलता, इसीलिए
शास्त्र कहते हैं कि देवी देवता भी इस भूलोक पे अवतरित होना चाहते हैं ताकि वो भगवान की सेवा येन केन प्रक्रेन कर सके, जो कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री का नजदीकी होने का अवसर प्रदान किया जाए तो क्या ऐसा व्यक्ति अनावश्यक गर्वित होगा कि नहीं होगा कि मुझे भगवान की सेवा का अवसर मिल रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हमें तीनों लोगों के स्वामी की सेवा का अवसर मिले तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है जो कि देव लोकों में स्वर्ग लोक के निवासियों को प्राप्त नहीं है। और आश्चर्य की बात है वो बद्ध जीवों को प्राप्त है। तो कृष्ण जब आते हैं तो देवता अवसर ढूंढते हैं कि कैसे वो उनकी सेवा कर सके, क्योंकि वो उनके भी तो नाथ हैं, वो उनके भी नाथ हैं। भगवान के प्रतिनिधि ये देवता ब्रह्मांड की तरफ से ब्रह्मांड के अनेक कार्यभारों के संचालक कहलाते हैं, लेकिन वो हर परिस्थिति में भगवान के अनुगत और उनके अधीनस्थ होते हैं। तो उनको भगवान के द्वारा नियुक्त किया जाता है इस ब्रह्मांड के अनेक कार्यों को संपन्न करने के लिए। तो इसीलिए जब भगवान आते हैं तो देवता उन्हें उपहार प्रदान करके उनको प्रसन्न करते हैं। हरि तोषणम, यह जीवन हरि की तुष्टि के लिए बना। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं, मानस मेरा मन मेरा घर मेरा सब कुछ अर्पेला तू अपदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, आपकी सेवा में मैं अर्पित कर देता हूं, सब कुछ करना चाहता हूं। तो इसी प्रकार से भगवान को अर्पित करना हमारे जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त करता है। अब जैसे आप सब बैठ के भगवान की कथा को सुन रहे हैं, यह आपके दुर्भाग्य को समाप्त कर रहा है और सौभाग्य के द्वारों को खोल रहा है। तो मात्र भगवान को आपने समय दिया, अपनी श्रद्धा से आप भगवान के विषय में सुन रहे हैं, भगवान ने इसे भी आपका अर्पण स्वीकार कर लिया। आप एक भगवान को पुष्प भी देते हैं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्ति आप रचति तदव भक्ति उपहरितम अश्नामी प्रत आत्मना। तो भगवान कहते हैं कोई पत्ता पुष्प फल जल भी देता है तो अश्नामी मैं खाता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। तो भगवान को देने में हमारा ऐश्वर्य अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति है। भगवान को लौटाने में हमारा सौभाग्य है और उसको ना लौटा के उसको भोगने में हमारा दुर्भाग्य होता है। तो वामन देव जी जो हैं, जब वो अवतरित हुए प्रार्थनाओं के फलस्वरूप देवताओं की सहायता करने के लिए कि उनका राज्य लुट गया था, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था बलि महाराज जी के द्वारा, पराजित कर दिए गए थे बलि महाराज जी के द्वारा। तो अब ये देवता जो लोग थे ये भगवान से चाहते थे कि भगवान अवतरित होकर उनकी मदद करें, और इसके लिए अदिति ने प्रार्थनाएं की। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाओं के लिए वो सब करने के लिए तैयार हैं जिसे वो चाहें या ना चाहें। और शुद्ध भक्त ऐसी कोई प्रार्थना ही नहीं करते जिसे भगवान पसंद ना करते हो, इसीलिए तो उन्हें शुद्ध भक्त कहा जाता है। उनका हर विचार हर इच्छा भगवान की सेवा के लिए होता है और भगवान को प्रसन्नता देने के लिए होता है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए होता है। ऐसा ही जीवन जिया जाना चाहिए कि इस जीवन में हम किसी भी प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर सकें। यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। अगर ऐसा कर्म ना करके कोई और अत्र कर्म करेंगे तो फिर बंधन तो आएगा ही आएगा। तो भगवान अवतरित होते हैं और अवतरित होके भृगु कच्छ की ओर चलना शुरू करते हैं जहां पर इतना बड़ा यज्ञ किया जा रहा था। तो जब भगवान बालक रूप में भिक्षुक के रूप में ब्रह्मचारी रूप में आए हैं तब भी अखिल सार संभृतो वो सारी ऐश्वर्य को अपने में धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि भिक्षुक बने तो अभी वो साधारण भिक्षुकों की तरह ही होंगे। ये भगवान की का ऐश्वर्य है कि इतनी बड़ी पोजीशन के बावजूद वो एक भिक्षुक बनने के लिए भी तैयार रह जाते हैं।
कितनी आश्चर्य की बात है। अब भगवान भिक्षुक बनने के लिए तैयार हैं और हम भगवान के लिए भिक्षुक ना बनना चाहें, यही तो अंतर है हम में और भगवान में। भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए भिक्षुक भी बनने को तैयार, भिक्षा भी मांगने को तैयार है, तो हम भगवान की सेवा करने के लिए क्या भिक्षा मांगने के लिए तैयार है? हमें शर्म आती होगी, अरे भगवान के लिए कैसे मांग लें। कई बार ग्रंथों के वितरण का कार्यक्रम होता है गीता जयंती पे, तो भक्त लोग कहते हैं कि हम अपने से पैसा दे देंगे, हम बांटने नहीं जाएंगे, वरना लोग क्या बोलेंगे, अरे आप तो अच्छे खासे होते थे, ये क्या हो गया आपको, आजकल ये गीता पकड़ के रेड लाइट पे कैसे खड़े हो। तो अखिल सार संभृतो, वो वामन देव रूप में आए, वो ब्रह्मचारी रूप में आए, लेकिन फिर भी वो सारे ऐश्वर्यों के परम मात्रा में स्वामी हैं, और इस बात के लिए भगवान को कोई गर्व नहीं। वो पूरी सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया, इसके लिए उनको कोई गर्व नहीं। तो भगवान जब एक बालक रूप में आए हैं, तो फिर उस शरीर के अनुपात के अनुसार भगवान के चरण कमल भी छोटे छोटे हैं, और भगवान छोटे छोटे चरण कमलों को रखते हुए आगे बढ़ाते हुए जल रहे हैं बलि महाराज की ओर। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान के एक कदम पड़ता था इस भूमि के ऊपर, तो ये धरती हिलती थी, ऐसा लगता था कि जैसे भूकंप आ गया हो। ये भगवान के एक कदम का परिणाम है कि एक कदम रखने मात्र से धरती हिला करती थी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान किसी भी रूप में अवतारित क्यों ना हो, कोई भी रूप क्यों ना लेकर आए, लेकिन वो हर परिस्थिति में परम मात्रा में पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान ही कहलाएंगे, और हर रूप में भगवान के ये षड ऐश्वर्य समाये रहते हैं, प्रदर्शित ना भी करें लेकिन उनके अंदर वो रहते हैं। जैसे छह प्रकार के ऐश्वर्यों में क्या कहा गया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशाश्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शननम भग इति गणः। तो पहला बताया धन, दूसरा बताया बल, और तीसरा बताया ज्ञान, और चौथा बताया सुंदरता, और पांचवा बताया वैराग्य और यश। तो ये छह के छह ऐश्वर्य परम मात्रा में परम भगवान में पूर्ण रूपेण पाए जाते हैं। तो एक तरह से जब भगवान का कोई भी अवतार आता है, तो वो छठ ऐश्वर्य पूर्ण कहलाता है, छह ऐश्वर्यों के द्वारा पूर्ण कहलाता है वो भगवान का। तो अब वही भगवान जिनमें वैराग्य का भी ऐश्वर्य है, और अपने वैराग्य के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने के लिए अब वो भगवान हाथ में एक भिक्षा का पात्र लिए, कमंडलू लिए, वो भगवान जो है मृगछाल पहने, तो अब वो चल रहे हैं किधर, भृगु कच्छ, जहां पर ये जो बलि महाराज थे उनका यज्ञ चल रहा था। तो भगवान चाहे भिक्षा भी मांगने क्यों नहीं जा रहे हैं, तब भी वो परम मात्रा में धनी। अब ये बड़ी इंफॉर्मेशन हो सकता है हमारे लिए बड़ी अटपटी सी लगती हो कि कैसे जो परम मात्रा में धनी है वो भिक्षा मांगेगा। इस संसार का धनी व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगता दिखाई देता, कम से कम ग्रॉस भिक्षा तो नहीं मांगता दिखाई देता। तो वो भगवान जो है भिक्षा मांगने में भी शर्मा नहीं रहे। अगर अपने भक्तों को वो भिक्षा मांग के प्रसन्न कर सकते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं फिर ये भिक्षा भी मांगने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर मेरे भक्त इस भिक्षा मांगने से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान वृंदावन में जब थे, गोकुल में जब थे, तो गोकुल में एक फल बेचने वाली जब फल बेचती हुई निकली, तो भगवान दौड़ते हुए नंद भवन से बाहर आए और कहते हैं ये फल मुझे चाहिए, ये फल मुझे चाहिए। वो फल वाली ने जब पीछे मुड़ के देखा, अरे कौन मांग रहा है ये फल, तो देखा भगवान कृष्ण है, और एक एक करके सब टोकरे से सारा फल दे दिया। और भगवान दौड़ के गए, तो उस समय ये बाटर सिस्टम होता था, दौड़ के गए अपने हाथों में अनाज के कुछ दाने लेकर आ गए, जो कि उंगलियों के दो गैप्स में निकलते जा रहे थे। और भगवान ने जब उसको कुछ दाने दिए हाथ में, अपने नन्हे से हथेली से दिए, तो उसने ये नहीं देखा क्या मिला, लेकिन वो तो भगवान के सौंदर्य में ऐसी फल बेचने वाली खो गई कि खाली टोकरा सर पे रख कर चले गए। तो भगवान ने मांगे फल, और बदले में क्या दिया, कुछ रंच दाने दिए। अब देखने में दाने थे, लेकिन जब जाके टोकरी उतारी उसने अपने घर में, वो अभी तक पूरी तरह से कृष्ण में अपने आप को खो चुकी थी, और पूरी टोकरी भरी पड़ी थी अनमोल हीरों से, अनमोल रत्नों से। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो अपने छठे ऐश्वर्य का भी प्रदर्शन करते हैं, वो अपने छठे ऐश्वर्य का भी प्रदर्शन करते हैं। तो कृष्ण का नाम है अच्युत, अच्युत का मतलब है कि जिसका कभी पतन नहीं होता हो, और उन अच्युत के हाथों से अनाज के दाने गिर रहे थे। अब इस बात को तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी जो है रिकंसाइल नहीं कर पाएंगे। अच्युत के हाथों से कुछ गिर नहीं सकता, और अच्युत के हाथों से ये जो दाने थे अनाज के ये गिर रहे थे। तो अब वो भगवान जो थे वो इस फल वाली से फल मांग रहे थे। विचार कर कर देखिए ये फल आए कहां से हैं। छोटे से बीज को हम बोते हैं और वो बीज में अलग प्रकार का फल आता है, सुगंध आती है, रस होता है उसमें, और अलग अलग रूप ले लेता है वो वृक्ष वो फल। तो कैसे वो अलग अलग रूप लेता है वो वृक्ष और फल, इसके पीछे सर्व कारण कारणम वासुदेवम सर्वमिति, कि सब कारणों के कारण भगवान कहते हैं भिन्ना प्रकृति अष्टदा, मेरी प्रकृति जो है, मेरी जो शक्ति है। तो अब वो भगवान जो सारे सब प्रकार के फ्रूट्स सब प्रकार के फलों के सोर्स रीजन है, और वही भगवान जाकर भिक्षा कर रहे हैं। ये कितना अपने आप में आश्चर्य है, जो सबका मालिक हो, जो सब संपत्ति को निर्माण में रखता हो, और वही जाकर भिक्षा भी मांग रहा हो, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है अपने आप। तो भगवान जब अपने चरण कमलों को, नन्हे चरण कमलों को इस वामन अवतार में धीरे धीरे रखकर आगे बढ़ा रहे थे, तो उस स्थिति के अंदर, उस स्थिति में भगवान क्या इशारा कर रहे थे, उनके पैर रखने मात्र से पृथ्वी हिल रही थी। अब दोनों चीजें अपने आप में बड़ी विरोधाभास है। एक तरफ तो भगवान अपनी पहचान छुपा रहे हैं, और पहचान छुपाकर भगवान एक बालक ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए हैं। अब वही भगवान जो है जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं, जानना नहीं, कहना नहीं चाहते कि वो भगवान है, बलि नहीं देंगे ना, वर तो देवताओं का साम्राज्य वापस छीनना है, यानी वापस लेकर आना है, उद्देश्य मन में है भगवान के। तो भगवान उस पहचान को जो है, अपनी जो पहचान है परम भगवान होने की, उसको बता नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भगवान पैर रख रहे हैं तो पृथ्वी हिल रही है, जो कि साबित करता है कि ये कौन है, किसके पैर रखने से ये पृथ्वी हिल सकती है, जिसका मतलब ये कोई और नहीं। अब यहां पर ये समझ में आएगा कि ये परम भगवान है, कोई और साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं देखो भाई, बाहे दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखना, तोलना, नापना छोड़ दो। हम सब बाहर से अलग रंगों के हैं, अलग बोली के हैं, अलग आदतों के हैं। ये तीन गुणों का प्रभाव है हमारे ऊपर, तो तीन गुणों के प्रभाव में, इसीलिए अगर आप गौर से संसार को देखें तो चारों दिशाओं में क्या नजर आता है, चारों दिशाओं में ऐसा नहीं कि कोई क्रोधित व्यक्ति नजर आए, कोई प्रेमी व्यक्ति नजर आए, कोई मित्र कोई शत्रु नजर आए, चारों दिशाओं में सभी लोग तीन गुणों से प्रभावित नजर आते हैं। अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे हर एक की महत्वाकांक्षाएं, हर एक की इच्छाएं, हर एक की योजनाएं अलग अलग क्यों दिखाई देती है, क्योंकि तीन गुणों का अलग अलग प्रभाव लोगों के ऊपर पाया जाता है। तो एक तरह से बाह्य आवरण के ऊपर ना जाया जाए, बाह्य दृष्टिकोण के ऊपर ना जाया जाए, हमें तो ये विचार करना चाहिए कि कौन गुरु के भाव के अनुसार गुरु की सेवा के अंदर लगा है, कौन भगवान के भाव के अनुसार भगवान की सेवा के अंदर लगा है। अब वो छह ऐश्वर्यों के परम मात्रा में स्वामी, और वो क्या कर रहे हैं, वो एक एक कदम चलते हुए चल रहे हैं, और उनके प्रभाव से पृथ्वी हिल रही है, कांप रही है। तो प्रश्न होना चाहिए क्या ये वास्तव में भिखारी हैं जो लक्ष्मी के पति हैं, जिनके वैकुंठ धाम में इतने दिव्य रत्न हैं, जिनको हम देख भी या सुना भी नहीं होगा उनके बारे में, और ऐसे वैकुंठापति, ऐसे परम भगवान, आध्यात्मिक जगत के स्वामी, सब कारणों के कारण, उनसे जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिनके ऊपर सब कुछ ऐसे आधारित है जैसे मोती धागे पर आधारित हो, ऐसे परम भगवान जब चल रहे हैं तो उनके पैरों से पृथ्वी डगमगा रही है।
तो भगवान दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि घबराओ मत, चाहे मैं वामन रूप लेकर आया, चाहे मैं एक ब्रह्मचारी रूप लेकर आया, लेकिन मैं क्या करने आया हूं, ये मेरे इन चाल से और इस चाल के प्रभाव से तुम ये बात समझ लो। बलि महाराज वामन देव जी को देखते हैं और ऐसा अनुभव होता है कि जैसे सूर्य और चंद्र जो है, जो वो सूर्य और जो चंद्र है वो एक साथ एक ही रूप के अंदर प्रकट हो गए हैं। अब सूर्य आता है तो चंद्र नहीं आता, चंद्र आता है तो सूर्य नहीं आता, लेकिन ये दोनों एक साथ प्रकट हो जाए, ये भी विरोधाभास है अपने आप में। ये भगवान की विशेषता, महत्वाकांक्षा आदि को समझाया जा रहा है। तो इस प्रकार से बलि महाराज ने देखा कि कौन आया है उनके घर में, कौन आया है उनके साम्राज्य में, तो उन्होंने पाया कि यहां पर कोई और नहीं, ये तो वामन देव जी आए हैं। तो बलि महाराज कहते हैं मेरी पुश्तें, मेरे जो वंशज हैं वो सब तर गए आपके इस यज्ञशाला में प्रवेश करने मात्र से। तो इसलिए भक्ति परम शुभ हमारे जीवन के अंदर आमंत्रित करती है। अगर आप अपने जीवन को शुभ बनाना चाहते हो तो बस इतना कर लो कि अब भगवान की भक्ति में लग जाओ, और इतना करने मात्र से आप पाएंगे कि आपके रास्ते की सब बाधाएं एक एक करके चूर्ण होती जाएंगी। तो बलि महाराज कहते हैं कि भगवान, मैंने सुना है कि ब्राह्मण जो होता है यज्ञ में वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो जब आप ब्राह्मण के रूप में इस यज्ञ में पहले से ही प्रकट हो चुके हो तो भाई ये नया रूप लेकर आने की जरूरत क्या रह गई। तो आचार्य कहते हैं बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है कि क्या ऐसी आशा रह गई है कि भगवान स्वयं आ गए हैं, स्वयं आ गए हैं। तो बलि महाराज ने सोचा शायद कुछ मांगने आए, अभी छोटा बच्चा है, थोड़े में ही खुश हो जाएगा, बड़ा आता तो ज्यादा मांगता, खुशी नहीं होता। तो बलि महाराज ने देखा कि भगवान एक वामन रूप लेकर आए हैं, एक छोटे ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं, और बलि महाराज स्वभाव से वो भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते थे। इसीलिए आचार्य रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जब हम भगवान के पास जाएं तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो जब भगवान के पास जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो अगर भगवान खुद ही हमारे पास आ जाएं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अपना सब कुछ अपना भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर देना चाहिए। तो बलि महाराज ने अपने प्रशिक्षण के अनुसार, इसीलिए जो प्रशिक्षण है आध्यात्मिक जीवन का, ये बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण के आध्यात्मिक जीवन भावनात्मक स्तर पर ही रह जाता है, और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने बहुत दिन रात परिश्रम किया आने वाली पीढ़ियों को, ये प्रशिक्षकों ने अत्यधिक परिश्रम किया और आने वाले पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन्स को ये ज्ञान कैसे पहुँचे, ये प्रशिक्षण कैसे पहुँचे, उसके लिए इन ग्रंथों की रचना की। और फिर उनके आने वाले आचार्यों ने, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और शिला प्रभुपाद जी, इन्होंने व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मैं लाखों शिक्षा गुरुओं का धन्यवाद देता हूँ जो भक्तों को व्यवहारिक आध्यात्मिक जीवन और भक्ति का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ये प्रशिक्षण आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। ये प्रशिक्षण हमारी इच्छाओं को बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमें पशु के स्तर से मानव स्तर पर लेकर आता है। स्वयं भगवान कृष्ण भी संदीपनी मुनि के आश्रम में आध्यात्मिक जीवन का प्रशिक्षण लेने के लिए गए। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, हमने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खोला है, पूरी मानव जाति को भगवान से कैसे प्रेम किया जाए और विधिवत उनको कैसे स्वीकार किया जाए। तो बलि महाराज का प्रशिक्षण था कि विष्णु को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। तो बलि महाराज जो हैं वो
भगवान वामन देव जी से कहते हैं, क्या मैं आपको गायें दूं कुछ दान में, क्योंकि आप ब्राह्मण हो और आप ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण जो सभ्यता है वो गायों पे आधारित है। इसीलिए जो अंग्रेज हैं जब भारत में आए तो उन्होंने इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए सबसे पहले गायों को नष्ट करने का विचार किया। गुरुकुल और गौशालाएं, इन दोनों को नष्ट किया गया जिस पे ब्राह्मण संस्कृति आधारित है, जिसकी जिस पे इसकी नींव है, जड़ें हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो धीरे धीरे कल्चर सभ्यता अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। और फिर कॉन्वेंट एजुकेशन को स्थापित किया गया जिसमें बताया गया कि जो जो ईसाइत है ये हमारे वैदिक शास्त्रों से अधिक श्रेष्ठ है, और भारतीय इन कॉन्वेंट एजुकेशनों में पढ़ के ऐसा ही मानने लगे और ऐसा ही जीवन जीने लगे। तो बलि महाराज ने कहा कुछ गायें दे दूं, कांचनम या फिर कुछ सोना दे दूं, तो उस समय की जो करेंसी थी ये कागज के नोट नहीं थे, स्वर्ण था, स्वर्ण, तो रियल गोल्ड, इतनी वेल्थ थी। तो ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई कंप्यूटर साइंस थी, ना आईटी था, उस सब के बगैर जो है ये रियल वेल्थ गोल्ड रहता था। तो बलि महाराज जो थे उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा मन में, ये छोटा बच्चा है, भगवान एक बालक रूप लेकर आए हैं, ये छोटा बच्चा है, शायद इसको सोना इतना पसंद नहीं आए, तो सोचा उन्होंने शायद इसे खाने की चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मंगवाऊं क्या, तो या फिर अगर आपको कोई कन्या दूं जो आपकी पत्नी बन सके। तो भगवान वामन देव जी ने सारी जो वस्तुएं जो उनको बलि महाराज जी देने के लिए तैयार थे उसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। तो फिर वो कहते कि आपको कुछ गांव दे दूं जिससे आपकी समृद्धि बढ़ जाए, क्या कुछ आपको गांव प्रदान करूं जिसमें आप रह सको, आप उससे अपना आय का साधन बना सको। तो बलि महाराज अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ अर्पित कर रहे थे। इसका मतलब है हमें भगवान को अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जैसे गिलहरी भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए जब वो पुल बनाया जा रहा था लंका के लिए, तो गिलहरी रेत के कणों को अपने शरीर से लपेट कर लाती थी और पुल में डालकर जाती थी, तो गिलहरी का ये बेस्ट था। हनुमान जी बड़े बड़े चट्टाने उठा रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ उठा रहे थे, ये हनुमान जी का बेस्ट था। तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार जो हमारा सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए, इसे शरणागति कहा जाता है। तो ऐसा नहीं हम बोले हम भगवान से प्रेम तो करते हैं, लेकिन जब ये पूछा जाए आप भगवान के लिए क्या व्यवहारिक करते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है, अपना सर्वश्रेष्ठ भगवान को अर्पित करना। तो इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न और इस संसार से अपनी विरक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो साधारणता इस संसार में दुनिया वो देती है जो उनके काम का नहीं होता। चलो मेरे पास दो चीजें हैं, दो मोबाइल फोन है, तो एक मोबाइल फोन मैं डोनेट कर देता हूँ, एक अपने लिए रख लेता हूँ, और जो खराब वाला पुराने वाला है वो डोनेट कर देता हूँ। तो जो हमारे काम का नहीं होता वो हम दान में देते हैं। लेकिन बलि महाराज के काम का ऐसा नहीं है, ये सब नहीं था जो दान में दे रहे थे, ये उनका सर्वश्रेष्ठ था जो वो अर्पित कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण जो है उनका नाम है भावग्राही जनार्दना, लेकिन इस शब्द का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि देखो भगवान तो भाव के भूखे हैं, क्यों उनका श्रृंगार किया जाए, क्यों उनको महंगे गहने पहनाए जाएं, क्यों उनको अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं, क्यों उनको 56 भोग लगाए जाएं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस भावना को कैसे प्रकट करेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे जिससे आप प्रेम करते हैं उसको प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे, कुछ वस्तुएं देंगे, कुछ वस्तुएं स्वीकार करेंगे। तो फिर बलि महाराज कहते हैं क्या आपको घोड़े दे दूं, क्या आपको हाथी दे दूं। अब उन दिनों घोड़े और हाथी ये बड़े श्रेष्ठ माने जाते थे इनका होना, और ये वाहन थे आज के समय के अनुसार, नई कारें जो हैं आज की वाहन बन गई हैं। तो बलि महाराज अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे थे, सर्वश्रेष्ठ अर्पित कर रहे थे। तो बलि महाराज इतना सब कुछ भगवान को अर्पित करते जा रहे हैं, वो दे रहे हैं कि लीजिए आप लीजिए। तो बलि महाराज के पास जो है भगवान स्वयं आए हैं, और बलि महाराज का बहुत बड़ा सौभाग्य था
कि बलि महाराज के पास मार्गदर्शन देने के लिए ब्राह्मण थे, बलि महाराज के पास मार्गदर्शन देने के लिए ब्राह्मण थे और बलि महाराज इन ब्राह्मणों के द्वारा अपने आप को मार्गदर्शित कर पाते थे। तो इस प्रकार से तो बलि महाराज ने बहुत सारे प्रस्ताव भगवान वामन देव को दिए। बलि महाराज एक असुरों के परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर भगवान को उनकी सेवा करने की, उनको दान देने की तीव्र इच्छा थी और ये प्रभाव था प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज के पोते हैं बलि महाराज। प्रहलाद महाराज जो कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे और हिरण्यकश्यपु के पुत्र होने के बावजूद भी वो एक परम वैष्णव थे। तो प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह देव आए थे। तो भगवान नरसिंह देव का दर्शन प्रहलाद महाराज ने किया और उनके पुत्र हुए विरोचन, और वो भी दान देने में बड़े प्रसिद्ध थे। और अब इनके पुत्र हुए बलि महाराज, जिनको आत्मनिवेदनम का आचार्य कहा जाएगा आगे चलकर, ये कहा गया। तो पूरे पारिवारिक परंपरा में देखें, प्रहलाद महाराज से लेकर बलि महाराज तक, ये भावना बड़ी शक्तिशाली थी। तो भगवान वामन देव कहते हैं, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रिया समितानि पाद ममः, मुझे सिर्फ तीन पग भूमि चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास जाने के बाद कोई बड़ी साधारण सी वस्तु भेंट में नहीं मांगेगा, उसके स्तर के अनुसार ही उससे भिक्षा मांगी जा सकती है। और यहाँ पर भगवान वामन देव बलि महाराज से मात्र तीन पग भूमि मांग रहे थे, जिनका आधिपत्य पूरे ब्रह्मांड भर में था। बहुत छोटी सी वस्तु थी। तो वामन देव जी कहते हैं, क्यों वो सिर्फ तीन पग भूमि चाहते हैं? नान्यत ते कामाए राजन, जिसका अर्थ है कि मुझे इससे अधिक पाने की कामना नहीं है। तीनों लोकों के जो स्वामी हैं वो कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब ऊंचा आस्वादन होगा तो छोटा आस्वादन अपने आप ही छूट जाएगा, हृदय अपने आप ही संतुष्ट हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति अपने भाग्य से जो उसको मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, वो बहुत अधिक कठिनाई और चिंताओं का जीवन जीता है। इसीलिए ईशोपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जितना ही शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उतना हमको लेना चाहिए और आवश्यकता से अधिक हमें तेना चोर बना देता है। और चोर का मतलब है कि वो दंड का अधिकारी है। प्रभुपाद जी कहते हैं, आवश्यकता से अधिक एकत्रित करना पनिशेबल है, दंडनीय है, क्योंकि प्रकृति में हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तो प्रोविजन पहले से किया गया है, लेकिन एक व्यक्ति के लोभ की पूर्ति का प्रोविजन इस प्रकृति में बहुत छोटा पड़ जाता है, क्योंकि लोभ की पूर्ति कभी की नहीं जा सकती। जैसे अग्नि में ईंधन डाल के अग्नि को बुझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से लोभ की पूर्ति करके लोभ को शांत नहीं किया जा सकता, ये और अधिक बढ़ता जाता है। अब कई ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं या ऐसे धर्म हैं जो कहते हैं कि आप जो चाहे मन में वो करो, जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसा जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो करना चाहते हो करते रहो आप अपने जीवन में। तो ऐसे कई अध्यात्मवादी लोग हैं जो कोई नियम नहीं देते और इसीलिए ऐसे लोगों के पास बड़ा भीड़ रहती है, बहुत अधिक मात्रा में लोग जाते हैं। उन पर प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, यानी कि अग्नि भी जलाओ उसमें पानी भी डालते रहो। तो यही बात हुई कि नियम ना पालन करना, वैराग्य का जीवन नहीं जीना, आसक्तियों को नहीं त्यागना, तो पानी भी जलाओ और पानी भी डालते जाओ। ऐसे बहुत से आज तथाकथित आधुनिक धर्म आ गए हैं।
जो त्याग का मार्ग नहीं आसक्ति का मार्ग दे रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे धर्मों को श्रीमद् भागवतम में धोखे के धर्म कहा गया है। धोखे का धर्म का मतलब क्या है कि धर्म का वास्तविक प्रभाव क्या है, हमारे जीवन में वैराग्य का उत्पन्न होना चाहिए। तो अगर धर्म का पालन करने से किसी के जीवन में वैराग्य नहीं आता, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो जिस विधि का वो पालन कर रहा है उसके अंदर, या फिर पालन करने वाले के अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। तो इसीलिए आज के तथाकथित ऐसे अध्यात्मवादी जो अपने आप को भगवान भी कुछ कहते फिरते हैं, वो ये शिक्षा भागवतम की नहीं दे रहे हैं। जो स्वयं वामन देव जी आकर कह रहे थे कि हमें कम में संतुष्ट रहना अपने जीवन के अंदर सीख लेना चाहिए। तो जो भी हमें हमारे भाग्य से प्राप्त हो उसके अंदर हमको संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, और जिसकी जिसकी इंद्रियां सीमित नहीं हो, नियंत्रित नहीं हो, उसका लोभ भी असीमित मात्रा में रहेगा। तो बलि महाराज ने देखा भगवान वामन देव कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो छोटे बच्चे के रूप में आए हुए हैं। तो बलि महाराज कहते, तुम दिखते तो बच्चे जैसे हो लेकिन बातें बड़ों जैसी करते हो, तुम दिखते तो बच्चे जैसे हो लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो। इसीलिए जब हरे कृष्णा में भक्त लोग आते हैं, नवयुवक नवयुवतियाँ आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, तो वो ये सिद्धांतों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो अपने घर में माता पिता को जाके प्रचार करते हैं, तो माता पिता हैरान रह जाते हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, ये हैं तो बच्चे लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। तो ये आध्यात्मिक जीवन, ये ज्ञान है ही ऐसा, ये आत्मा का आहार है, और जब ये आत्मा को आहार मिलता है तो सुप्रसिद्धि, आत्मा संतुष्ट होती है। लेकिन ये जो भौतिक विद्या है इसको जड़ कहा गया है, जड़ विद्या। तो जड़ विद्या हमको अविद्या में डाल देती है, हमारे वास्तविक स्वरूप, हमारी पहचान कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, उसकी और हमें कोई प्रेरणा नहीं देती है। तो बलि महाराज कहते हैं, सोचते हैं कि कभी कभी बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, तो तुम बच्चे होके बुद्धिमान हो, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन स्वार्थम प्रति अबूदो यथा, तुम्हें अपना स्वार्थ कम से कम समझने लायक बन जाना चाहिए। तुम अपना स्वार्थ नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा स्वार्थ ये होना चाहिए कि तुम मेरे पास आए हो, इतने बड़े व्यक्ति के पास आए हो, तो तुम्हें कुछ बड़ा मांगना चाहिए, तुम्हें कुछ बड़ा स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भक्त हैं वो भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो अपने जीवन में सिर्फ भगवान को ही प्राप्त करते हैं। तो ये जो इच्छाएं हैं, कैसे वामन देव जी इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि इच्छाओं को नियंत्रित कैसे किया जाए। आज लोग सोचते हैं और विचार करते हैं इस विषय में, डिज़ायर मैनेजमेंट, ये डिज़ायर्स को, इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो भगवान वामन देव जी ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, भगवान की भक्ति से जैसे एक तीर से सभी निशाने एक साथ लग जाते हैं, है ना, जैसे बड़ा तालाब, बड़ा जलाशय छोटे छोटे कुओं की सारी ज़रूरतें पूरी कर देता है, तो उसी तरह से जड़ में पानी डालने से पेड़ पत्ते में पानी अपने आप पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति से ये इच्छाओं का स्वच्छीकरण, शुद्ध होना भी अपने आप आरंभ हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो था वो मंदिर में आता था इस्कॉन के, प्रभुपाद जी के समय की बात है, और सिर्फ प्रसाद के समय में नजर आता था, उसके आगे पीछे कभी नजर नहीं आता था, ना प्रवचन में, ना आरती में, ना दर्शन में, ना सेवा में, ना किसी अन्य कार्य में, सिर्फ प्रसाद जब शुरू होने वाला होता था तो नजर आता था, प्रसाद पाता था, चला जाता था। तो प्रभुपाद जी ने एक बार उससे पूछा, तुम माला करते हो? नहीं। तो प्रभुपाद कहते, तुम 16 माला रोज करो, ठीक है, सुबह शाम प्रसाद के लिए आओ, प्रसाद पाओ, 16 माला करो। तो कहते हैं, स्वामी जी मैंने आपके एक बार प्रवचन में एक बार सुन लिया था, आपने कहा था सभी सेवाएं एक समान है, तो क्या प्रसाद पाना 16 माला करने के समान नहीं है? तो प्रभुपाद कहते हैं, सिर्फ 16 माला शुरू करो और फिर जो चाहे तुम अपने जीवन के अंदर करो, चाहे सारा दिन फिर सो और खाओ, कुछ भी मत करो, बस 16 माला जरूर करो। अब इस व्यक्ति ने ऐसा ही करना शुरू किया और धीरे धीरे इसकी इच्छाएं बदली और भगवान की सेवा में भी लग गया। तो ये जो हरि नाम है ये हमारी इच्छाओं को बदलता है। तो जब तक कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप विधिवत अपने जीवन के अंदर ना करे, उसकी इच्छाएं बदली नहीं जा पाएंगी। ये हरे कृष्ण महामंत्र का अभिप्राय प्रभुपाद जी ने समझाया कि हम श्रीमती राधा रानी से और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं,
कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण आप हमें योग्य बनाएं कि हम भगवान की सेवा कर सकें, आप हमें भगवान की सेवा प्रदान करें। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का कोई जप करता है तो ये इच्छाएं सेवा इच्छा में बदल जाती है। तो अभी तक ये इच्छाएं भोग विलोचने ना भोग की इच्छा में है, लेकिन महामंत्र का जाप करके ये इच्छाएं सेवा की इच्छा में बदलना शुरू हो जाती है। और तब एक व्यक्ति कहता है नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो एकमात्र भगवान को प्राप्त करना, अगर उनको प्राप्त किए बगैर ये जीवन छोड़कर चले जाएं तो फिर ना जाने अगले जन्म में हम कौन सी योनि के अंदर आएंगे, कौन से जीवन के स्तर में आएंगे, फिर से संघर्ष करेंगे रोटी कपड़ा और मकान के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, और फिर मृत्यु आ जाएगी। तो इन इच्छाओं का परिवर्तन, इसीलिए अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, अंत काल में जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो अगला जीवन बन जाती हैं। तो अंत काल में भोग इच्छाएं आसक्तियां ये सब हमारे सामने आ जाती हैं आंखों के, और हमें ये अगले जीवन के अंदर भेज देती हैं। तो उसी प्रकार से जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप नियमित रूप से निरंतर अपने जीवन में करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे जीवन के लक्ष्य को, जो आज हमारी इंद्रियों की प्रसन्नता है, उसको बदल के भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा में बदल देगा। तो वास्तविक जीवन का लक्ष्य कौन है? वास्तविक जीवन का लक्ष्य तो भगवान है। तो अनियंत्रित इंद्रियों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हिरण्यकशिपु के पास सारी शक्ति थी, सारा सामर्थ्य था, लेकिन इंद्रियां अनियंत्रित थी और वो हिरण्यकशिपु अपने जीवन में विफल हो गए। तो एक व्यक्ति के पास चाहे कोई धन ना हो, लेकिन अगर उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा पूजनीय बन जाता है। इस संसार के जो स्टैंडर्ड्स हैं पूजनीय के, यानी कि भौतिक धन जिसके पास है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में पूजनीय का स्टैंडर्ड कौन है? जिसके पास आध्यात्मिक धन होता है। तो इस प्रकार से इन अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा अगर हम ये सोचें कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ मुझे मिले और उससे मैं खुश हो जाऊँगा, मैं हमेशा प्रसन्न रह पाऊँगा, तो ये हमारा विचार बिल्कुल गलत साबित होने जा रहा है। तो लोभ जो है वो हमें सुख नहीं दे सकता। तो लोभ के वश हम भगवान को छोड़ के इस जगत में आए, और लोभ के कारण ही हम इस भौतिक जगत के अंदर ये सोचते हुए कि शायद मुझे ये सुख देगा, शायद मुझे वो सुख देगा, शायद मैं इससे अपने जीवन के अंदर प्रसन्न हो जाऊंगा, शायद मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा, ये सब करते हुए हम इस जीवन को पूरा बिता देते हैं, लेकिन हम उस प्रसन्नता का दर्शन नहीं कर पाते। जैसे नीति शास्त्र कहते हैं कि एक बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी एक बोतल के अंदर, एक ग्लास बॉटल के अंदर वो मूंगफलियां डाल देता है, और बंदर मूंगफलियों के लोभ के कारण उस बोतल में अपना हाथ डालता है, और जब हाथ डालता है तो मुट्ठी में मूंगफलियां भरता है, और जैसे हाथ बाहर निकालने लगता है तो वो, क्योंकि मुट्ठी फूल गई, उसके अंदर अभी मूंगफलियां आ गई, तो वो उसका हाथ अटक जाता है, लेकिन वो दम लगा के खींचता है, हाथ अटक जाता है। तो अब उसको करना क्या पड़ेगा? हाथ निकालने के लिए मूंगफलियां छोड़नी पड़ेंगी। उसी प्रकार से जीवात्मा इस भौतिक जगत में आता है और भगवान की माया शक्ति को पकड़कर भोगना चाहता है और उसमें अटक जाता है। करना क्या पड़ेगा मुक्ति के लिए? इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा इंद्रिय तृप्ति जो है वो दुखों के समान है। तो हम इंद्रिय तृप्ति को देखकर आकर्षित होते हैं, सोचते हैं कि इसको हम भोगेंगे तो हमको आनंद मिलेगा, लेकिन वो दुखों के समान है। और जो इंद्रिय नियंत्रण है, एक तरफ तृप्ति है ग्रैटिफिकेशन और दूसरी तरफ नियंत्रण यानी कंट्रोल, उस पर लगाम लगाना, तो दूसरी तरफ जो इंद्रिय नियंत्रण है ये जो है ये हमारी संतुष्टि के समान है। तो जहाँ पर नियंत्रण होगा वहाँ पर संतोष होगा, और संतोष होगा तो उसका अगला चरण है आनंद, खुशी, वो भी स्वाभाविक होगा। तो इस प्रकार से इंद्रिय नियंत्रण, संतुष्टि और अंततः खुशी। तो हम सब अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं और इसी के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वास्तविक सुख जो है वो इन इंद्रियों के नियंत्रण करने से मिलेगा। कोई बेहिसाब इन इंद्रियों का उपयोग करे और सोचे वो सुखी भी हो जाएगा, ये संभव नहीं है। इसीलिए सिर्फ इस जीवन को जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं बिता देना चाहिए। इस शरीर से सुख पाने के लिए
हमको जीवन ये नहीं जीना चाहिए। तो भगवान भागवतम में कहा गया है कि इस प्रकार से हमें अपना जीवन भगवान की सेवा में बिताना चाहिए, और इंद्रिय नियंत्रण करेंगे तो भगवान की वास्तविक सेवा कर पाएंगे। जो व्यक्ति खुद ही नियंत्रित नहीं है वो दूसरे की सेवा क्या करेगा। मान लीजिए आप भगवान के लिए भोग बनाए तो मन में विचार आएगा मुझे खाना है मुझे खाना है, तो या फिर किसी आप बड़े वैष्णव को महान महाजन को किसी भक्त को दें तो वो भी मन में विचार आएगा इनको इतना ऐश्वर्य क्यों मुझे क्यों नहीं। तो जब तक इंद्रिय नियंत्रण नहीं है वास्तविक सेवा नहीं शुरू हो सकती, और वो वास्तविक सेवा आपकी इंद्रियों को आध्यात्मिकृत कर देगी जो पूर्णता आपको संतुष्टि के रास्ते पर लेकर जाएगा। तो बलि महाराज तो स्वभाववश प्रशिक्षित हैं, महाजन हैं, पुण्य है, सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं, अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहते हैं। तो ये जो लीला है भगवान वामन देव के अवतरण की कि कैसे वो देवताओं को उनका हिस्सा दिलवाने के लिए बलि महाराज के साथ छल करते हैं, तीन पग भूमि मांग के उनका सब कुछ हर लेते हैं और बलि महाराज के पास कुछ भी नहीं बचता और भगवान बलि महाराज को बंदी बनाते हैं। इस लीला में भगवान साबित करते हैं कि वो ही देने वाले और वो ही लेने वाले। इस दौरान बीच में हमें लगता है कि जैसे हम बहुत विशेष हैं, हम बहुत स्पेशल हैं। तो बलि महाराज तो देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनके क्या गुरु जो शुक्राचार्य हैं क्या वो तैयार हैं। तो बड़ा अंतर नजर में आता है कि वास्तव में गुरु कौन हो सकता है या किसको गुरु कहा जाना चाहिए। जो हमारा संबंध भगवान के साथ स्थापित ना करे, अगर हम उसे गुरु को बना भी लें, स्वीकार भी कर लें, तो ये संबंध गुरु के साथ भी स्थापित नहीं करता। तो इस प्रकार से बलि महाराज का सर्वस्व सब कुछ भगवान ने हर लिया अपनी इस चतुराई से। तो भगवान देने वाले और भगवान लेने वाले। तो फिर अगर हम स्वेच्छा से दे दें, देखिए जब हमसे कुछ जबरदस्ती छीना जाता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर स्वेच्छा से कुछ दे देते हैं तो दुख नहीं होता। तो इसीलिए ये वैराग्य का मार्ग हमें क्या सिखाता है कि हम स्वेच्छा से त्याग करें ताकि हमको किसी प्रकार के दुख का सामना ना करना पड़े। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, अगले सप्ताह इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत रुचिकर है आगे का संवाद। तो इससे संबंधित अगर कोई आपके प्रश्न हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। जी कुछ जिज्ञासा है तो अभी की जा सकती है। हरे कृष्णा। तो प्रश्न है कि क्या बलि महाराज ने
के साथ भगवान ने छल नहीं किया? हाँ, तो भगवान ने बलि महाराज के साथ छल किया, लेकिन भगवान का जो छल भी है वो हमारे लाभ के लिए होता है। उसमें हमारा लाभ है। तो ऐसा छल जिसमें हमारा लाभ हो हमारी भलाई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कभी माँ बच्चे के साथ छल करती है उसे कुछ दवाई खिलाने के लिए, तो माँ कहती है बच्चे को देखो इधर देखो, वो उधर देखता है और उसके मुंह में दवाई डाल देती है। तो अब माँ ने छल तो किया, लेकिन क्या ये छल भला है कि बुरा है? अवश्य ही इसे कोई भी बुरा नहीं कहेगा। तो जो हमारी हमारी अच्छाई के लिए छल किया जाए उसको फिर अच्छाई के रूप में ही देखा जाए। भगवान बलि महाराज से सब कुछ छीन के देवताओं को क्यों देना चाहते थे? तो भगवान चाहते हैं कि धर्म परायण राजा हो, ऐसे राजा होने चाहिए जो धर्म की स्थापना करें, इसलिए भगवान देवताओं का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, मैं 16 माला कर रहा हूँ, भगवद गीता भी पढ़ रहा हूँ, जितना हो रहा है पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पुरानी आदत नहीं जा रही है, जो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? देखिए, खराब होने में बहुत समय लगा है तो सुधरने में भी समय तो लगेगा ही। धैर्य रखना चाहिए हमको और इस विश्वास के साथ अभ्यास करना चाहिए और एक दिन परिवर्तन आता है। अब कई बार हमारी जो बुराइयां हैं वो इतनी अधिक मात्रा में रहती हैं कि परिवर्तन आने में समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें परिवर्तन ना आए। When Bali Maharaj was a Mahajan cultured fellow, why did he take away the kingdom from the demigods? अब कुछ घटनाएं भगवान की लीला का भाग है, तो देवताओं ने भी गलती करी जिसके कारण बलि महाराज ने उस पर आधिपत्य जमाया। तो एक ही लीला में भगवान बहुत सारे काम कर रहे होते, तो बलि महाराज से भगवान छल कैसे करते और ये बलि महाराज का क्वालिटी कैसे दिखाई देता? जैसे कि आचार्य कहते हैं कि अगर डायमंड को अगर हमें आउटशाइन करना हो तो उसको फिर एक डार्क सरफेस पे रखा जाता है, उसी प्रकार से बलि महाराज असुरों के बीच में भी भगवान के इतने शरणागत और महान भक्त थे, तो ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि वो असुरों के राजा हैं तो वो उसी प्रकार के कार्यों में भी लगे हुए हैं। हाउ टू मेंटेन सेल्फलेस कंट्रोल ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन। Selfless control on sense gratification. तो सेंस ग्रेटिफिकेशन पे कंट्रोल हायर टेस्ट के डेवलपमेंट के साथ किया जा सकता है। अगर हमको भक्तों का संग मिले तो कैसे भी किसी भी जगह हमको करना चाहिए। तो भक्तों का संग, कौन से भक्तों का संग करना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं जो हमसे एडवांस डिवोटीज हैं, हमसे उन्नत हैं और हमें हमारे गुरु की सेवा में लगाते हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। भक्ति में कैसे आगे बढ़े? तो सरल तरीका है, श्रृण्वताम स्वकथाम पुण्य श्रवण कीर्तन। तो भागवतम में कहा गया जब हम कृष्ण की कथा को सुनते हैं तो ये पुण्य हमें देता है जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। भगवान बलि से सब कुछ छीन कर देवताओं को क्यों देना चाहते थे? भगवान तो निष्पक्ष हैं, तो भगवान निष्पक्ष हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि देवता धर्म परायण है और भगवान धर्म परायण राजा को बनाना चाहते हैं। What is the sanctity of half day fast when we observe half day and full day fast? तो half day fast का मतलब है कि जिस समय भगवान अवतरित होते हैं उस टाइम तक फास्टिंग किया जाता है। तो अगर दोपहर तक अवतरित हुए तो दोपहर तक फास्ट होता है। किसी बेसिक नीडी के लिए प्रेयर करना भी गलत है। प्रेयर करना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति में लगे, ये प्रेयर हम सबको करना चाहिए।
कि उनको भक्ति प्राप्त हो, उनको भगवान की सेवा प्राप्त हो, ऐसी प्रेयर्स हमको प्रेजेंट करनी चाहिए। भक्ति में किस भाव को, प्रश्न आता है, बाकी क्या है, किस भाव को महत्व देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो यही विराम दें, और कोई प्रश्न में नजर नहीं आ रहा आपको। सेवा भावना में भक्ति करनी चाहिए, यंग वाइल्ड देसी का प्रश्न है, भक्ति किस किस भाव में करनी चाहिए, तो सेवा की भावना से। सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयमेव स्मृतता।